सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक काफी पुरानी कहानी चल रही है और उसको लेके काफी सारी चीजें शुरू हो गई है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये कहानी है हड़प्पाकालीन सभ्यता के एक महिला के डीएनए की। ये रिपोर्ट छपी है सेल में, जो काफ़ी नामी पत्रिका है, उसके बाद से ये हंगामा शुरू हुआ है और उसको लेके तरह तरह की बातें की जा रही हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार का एक ठिकाना है और अब ये बात साबित हो गई है कि जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे, वो सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं था, वो पूरे देश में, हमारे पूरे मुल्क में, गुजरात के लोथाल में, हरियाणा के राखी गढ़ी में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो साइट है ही, इस तरह से काफ़ी ठिकानों से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब ये सभ्यता का प्रसार प्रसार और काफ़ी बड़ा था और इसमें काफ़ी सारी और संभावनाएं हैं। तो राखी गढ़ी में खुदाई के दौरान एक नरकंकाल निकला जिसके डीएनए अभी तक उपयोग करने लायक थे, जिसकी जो जीवित थे, तो उसको लेके काफ़ी शोध हुआ। हार्वर्ड में उस डीएनए की परीक्षा हुई और अब उसके निष्कर्ष छपे हैं एक वैज्ञानिक पत्रिका सेल में, जिसके बाद से काफ़ी हंगामा है। हंगामा इसलिए है कि इस डीएनए के आधार पे, और ये माना जाता है कि एक भी डीएनए अगर ढंग का है तो उससे एक बिलियन का मतलब है 10 अरब लोगों के बारे में लगभग वैज्ञानिक ढंग से बात की जा सकती है। तो उस बुढ़िया के या उस महिला के जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो लोग थे, जो रह रहे थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा को लेके, हड़प्पाकालीन अवशेषों को लेके ये बहस अपने यहाँ काफ़ी तेज चलती रही है और इतने वर्षों में, लगभग 100 साल हो गया उस खुदाई के, अब तक ये बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है कि वो लोग असल में कौन थे। और इसकी वजह ये है कि हड़प्पा का जो समय निकलता है वो जो वैदिक सभ्यता इतिहासकार गिनते हैं उससे कई हजार साल पहले का है, और वैदिक सभ्यता के साथ ये माना जाता है कि ये आर्यों की दी हुई सभ्यता है। और दोनों में एक फर्क ये भी था कि हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी, नगर बसे हुए थे, नगर बहुत व्यवस्थित बसे हुए थे, उनका व्यापार होता था सारी दुनिया से, वहाँ मोहरें चलती थी, वहाँ कम्युनिटी लाइफ था, वहाँ सार्वजनिक स्थान की जगह है, अन्न रखने की जगह है कि एक जगह अनाज का भंडारण होगा, तो काफ़ी विकसित जीवन वहाँ था। जबकि वैदिक सभ्यता जिसको हम बोलते हैं वो उस हिसाब से पिछड़ी हुई सभ्यता थी। वहाँ पशुपालन मुख्य था, जंगल पर आधारित जीवन था, बाद के इसमें खेती शुरू हुई लगता है। तो अगर इतिहास इस तरह से उलट पलट गया है तो फिर इसके कारण क्या हैं और हड़प्पा सभ्यता कैसे ख़त्म हुई, इसको लेके भी कई तरह की चीज़ें थी। ये इतिहासकारों का एक ग्रुप खास तौर से, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी, उनका मानना था कि आर्य बाहर से आए और आर्यों ने अपना, उनके पास घोड़े थे और उनके पास संभवतः लोहा भी आ गया था, हिंदुस्तान के लोहे का ठिकाना उनको मिल गया था। तो इन दो चीज़ों से हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों को उन्होंने परास्त किया, क्योंकि उनके पास घोड़े नहीं थे जिससे तेज मूवमेंट नहीं कर सकते थे, और दूसरा ये है कि वो तांबे का इस्तेमाल करते थे। तो इन दो वजहों से आर्यों की जीत हुई और आर्यों ने उस सभ्यता को नष्ट कर दिया। अब इसमें जो लोग आर्यों को श्रेष्ठ मानते हैं और जिनको लगता है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, उनका झगड़ा ये था कि नहीं, ये आर्यों को नीचा दिखाने की कोशिश है, असल में आर्य ही यहाँ के मूलवासी हैं और वही आगे गए हैं। अभी की जो जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे ये साफ होता है कि आर्यों वाली थ्योरी अपनी जगह रहे, आर्य हो सकता है कुछ आए हुए हों, जो बाद में बात कही जा रही है कि 0 से 30% तक हो सकता है कि बाहर के लोगों का मिश्रण हुआ हो, लेकिन मूलवासी दक्षिण एशियाई एक अलग हैं जो इस डीएनए से इस्टेब्लिश होता है। और ये लोग जो बाहर से आए लोग हैं, ईरानी स्टेपे जो
किसान और चरवाहे माना जाता है कि उस तरफ से आए हैं, उनसे करीब 300-400 साल पहले ये लोग यहाँ थे, बल्कि यहाँ से मूवमेंट कहीं बाहर भी हुआ है। तो एक तरह से ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि आर्यों के आने की थ्योरी गड़बड़ है। जो द्रविड़ और आर्य टकराव बोला जाता है बार बार, जो हमारी पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ा मसला है, वो भी गलत है और इस विकास को किसी और तरह से देखने की जरूरत है। एक तो विस्तार वाली बात मैंने पहले कही कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी से काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है, उसका चरित्र एकदम अलग है, लेकिन मूल झगड़ा आर्य और द्रविड़ या आर्य बाहरी थे, स्थानीय थे, इस झगड़े पे है। इससे हमारे समाज की बनावट और आज तक जो चलने वाली श्रेष्ठता की और हीनता की बात है उस पर फर्क पड़ना है, उस हिसाब से ये रिसर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन असली दिक्कत ये हुई है कि इस रिसर्च को भी इसी एंगल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जो भी सिंधे साहब हैं वो पहली चीज़ यही बोलते हैं कि आर्यों का मामला नहीं है। अब आर्य अनार्य विवाद अगर आपके डीएनए से नहीं निकल के आ रहा है तो पहली बात उसको कहने का कोई मतलब नहीं था। पहली बात यही कहने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें निकल के आई। हमको असल में इस पूरे हिसाब को थोड़ा अलग ढंग से देखने की ज़रूरत है, अभी खासतौर से जब एक वैज्ञानिक उपलब्धि सामने आई है, क्योंकि बार बार अब तक जो भी कुछ कहा जा रहा था इन 100 सालों में, उन मोहरों को पढ़ने की कोशिश की गई है जो वहाँ से हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से निकले, बड़ी संख्या में निकली मोहरें हैं, उन पर कुछ कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं, वो क्या हैं ये आज तक नहीं समझा जा सका, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चित्रलिपि हो, संकेत लिपि हो, अक्षर हो, ये जितनी चीज़ें हम जानते हैं उस हिसाब से वो अलग है। उसमें कहीं दाहिने से बाएं तरफ गया हुआ संकेत दिखता है, कहीं दाएं से बाएं हुआ गया दिखता है, कहीं ऊपर से नीचे गया है, कहीं नीचे से ऊपर गया है, ये अक्षरों का क्रम जो है वो अलग अलग किस्म का है। और अक्षर भी एक किस्म के नहीं, कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं लेकिन सब पे सब तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, कहीं मछली बनी हुई है, कहीं केला बना हुआ है, कहीं सांड बना हुआ है, कहीं पशुपति बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको लेके दुनिया में काफ़ी काम हुआ है, बल्कि स्वीडन का आस्को परपोला परिवार जो है वो उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, ये तो जनरेशन से उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप ही रावती महादेव जैसे लोगों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन ये बार बार नॉन आर्यन चीज़ें ढूंढ के, जो अगर आज नहीं मिल रहा है तो सीधा कंक्लूजन ये कि ये द्रविड़ सभ्यता थी। अगर ये बेसिस हो तो हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी जो बेसिस, जैसे खासतौर से परपोला कहते हैं मछली का, अब मछली ठीक है आर्यों के यहाँ मछली का वैसा चलन नहीं था, लेकिन पूरे बंगाल में, मिथिला में, असम में, इन सारे इलाकों में मछली का जो योगदान है, उनके जीवन में मछली जिस तरह से है, या पूरे समुद्र के किनारे के जीवन में जिस तरह से मछली है, उसको सिर्फ आर्य और द्रविड़ विभाजन के आधार पे खारिज नहीं किया जा सकता। तो अब तक जो चीज़ें आई हैं उनको नए तरह से देखने की ज़रूरत है, और ये लिपि नहीं पढ़े जाना अपने आप में एक समस्या है, और वो पढ़ ली गई होती तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाती, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे संकेत हैं जिनको समझ के हमको अपने समाज के बारे में अलग किस्म की राय बनानी चाहिए। इसमें दो तीन चीज़ों का जिक्र मैं करना खासतौर से चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक उपग्रह वैज्ञानिक राजेश कुचर की किताब आई थी, उन्होंने कुछ चित्रों, उपग्रह चित्रों के आधार पे ये बताने की कोशिश की थी कि आबादी का मूवमेंट किस किस्म का है, और उससे ये लगता है कि बाहर से आवाजाही हुई है, उसको खारिज कोई नहीं करता, और वो किताब और उनकी पढ़ाई उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक इसी किस्म की एक किताब सिरिन है, जेएनयू से पढ़ी लिखी, जो इसराइल के यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हैं, सिरिन की किताब है, और सिरिन ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो मोहरें मिली हैं वो मोहरें हो सकता है कि अलग अलग कबीलों के लोगों की हो, उनके देवी देवताओं की हो, उनके प्रतीक हों, आपस में एक्सचेंज होने लायक चीज़ हो, तो ये मोहरें बेसिकली कबीलों से जुड़ी हो सकती हैं, और बहुत सारी मोहरों का एक साथ मिलना जुलना ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक कबीलाई मेलजोल काफ़ी बढ़ गया था और बढ़ता जा रहा था, और जिस कबीले का आकार ज़्यादा बड़ा था उसकी ज़्यादा मोहरें हैं, जिस कबीले का आकार छोटा था वो मोहरें कम हैं।
ये थ्योरी अपने आप में काफ़ी संभावनाएं बनाए हुए हैं। इसी क्रम में मैं एक ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब, समाजवादी चिंतक हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने जाति व्यवस्था पर एक किताब लिखी है जिसकी यहाँ तो खास हमारे एकेडमिक जगत में चर्चा नहीं की गई, यहाँ की अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन दुनिया में जिसकी काफ़ी चर्चा हुई वो किताब जाति व्यवस्था को नए ढंग से देखने की, हमारी नेशनलिटी के बनने को नए तरह से देखने की कोशिश करती है, दिखाने की कोशिश करती है। और उनका मानना ये है कि सारी दुनिया में एक एक कबीला एक नेशन में डेवलप हुए, खासतौर से यूरोप में, और जहाँ ऐसा मेल मिलाप नहीं हुआ अफ्रीका में, वहाँ आज भी कबीलाई टकराव है। हिंदुस्तानी समाज में कबीलाई पहचान धीरे धीरे खत्म हो गई और सब ने मिलकर एक हिंदुस्तान का निर्माण किया है, और कबीलाई पहचान खत्म कराने में जाति व्यवस्था की एक बड़ी भूमिका है। तो हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था के जो भी नुकसान हो, जाति व्यवस्था ने यहाँ कबीलाई पहचान को उभरने नहीं दिया है और उसने एक नेशन बनाने में हमारी मदद की है। इसीलिए उपनिषदों के समय से हमको बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान मतलब आसेतु हिमालय, समुद्र से लेकर हिमालय तक का इलाका हमारा है। ऐसा आमतौर पर किसी एक कबीले वाले लोग उतने पुराने समय में कभी नहीं कहते थे। सजदा जी, किताब ये भी बताती है कि हमारे जितने देवी देवता हैं, राम कृष्ण शिव, ये सब नए देवी देवता हैं, असल में हम सब लोग अपने गृह देवी गृह देवता की पूजा जिस किस्म से करते हैं, और हर महत्वपूर्ण मौके पे जन्म मरण शादी सबसे पहली पूजा गृह देवी गृह देवता की ही होती है। और गृह देवी गृह देवता का डिस्क्रिप्शन अगर आप परिवार के या समाज के हिसाब से चलेंगे, गाँव के हिसाब से चलेंगे, तो कहीं उनका ब्यौरा, उनका नाम, उनका रंग रूप कहीं आर्यन नहीं है। वो सब आदिम नाम भी हैं, आदिम उनकी पूजा पद्धति है, कहीं उनको सुअर चढ़ाया जाता है, कहीं मिठाई चढ़ाई जाती है, कहीं फल चढ़ाया, सब वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो अपने घर के आसपास होती हैं। तो ये पूजा पाठ बताता है, उसकी श्रेष्ठता ये बताती है कि हमारी अभी भी लॉयल्टी उन देवी देवताओं से बनी हुई है, और ये बाहर से आए देवी देवता हैं या इनकी मान्यता बाद में हुई, लेकिन ये सब मिलजुल के एक हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं। तो अगर राखी गढ़ी के महिला का डीएनए ये बता रहा है कि यहाँ के लोग थे और यहीं के लोग अपना डेवलप होके यहाँ तक पहुँचे थे और फिर आगे चारों ओर गए, तो उसमें इन चीज़ों की संभावना देखनी चाहिए कि कबीलाई मेलजोल किस किस्म से हुआ है, वो मेलजोल क्या नतीजा लेके आया है, किस तरह से हिंदुस्तानी समाज का निर्माण हुआ है। फिर अगर जाति व्यवस्था ने इनको कबीलों को मिलाया है आपस में, तो जाति व्यवस्था ने जो बुराइयां पैदा की जिससे हजारों साल हमारा समाज जड़ रहा, खासतौर से समाज के कमजोर लोग, उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया, और किया तो किस तरह से किया, कहाँ वो आके अटक गया, और समाज बनाने में, समाज चलाने में अगर जाति आज भी इतनी महत्वपूर्ण है, शायद सबसे महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान, आप धर्म बदल सकते हैं, अपने रहने की जगह बदल सकते हैं, लेकिन आप जाति नहीं बदल सकते, और जाति से निकलने का दुख सबसे ज़्यादा होता है। तो जातियों को की बनावट, समाज की बनावट, उस हिसाब से ये पढ़ाई अभी जो सामने आई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चीज़ों को उसी तरह देखने की ज़रूरत है। इसको आज द्रविड़ विवाद में एक ऊपर है, दूसरा नीचे है, और आज आ गए यहाँ, तो ये जो मान ले वो बड़ा प्रगतिशील है, और जो कहे कि आज नहीं आए वो बड़ा दकियानूस है। इन चीज़ों से निकल के इस बड़े अवसर का इस्तेमाल, एक बड़े वैज्ञानिक अध्ययन का इस्तेमाल समाज को समझने के लिए होना चाहिए, समाज के झगड़े सुलझाने के लिए होना चाहिए, और इस बनावट के आधार पे आगे की चीज़ें देखने की कोशिश होनी चाहिए। एक बड़ा अध्ययन है ये, कुछ बड़े निष्कर्ष हैं, इन निष्कर्षों को इसी तरह देखें। इतना ही करके आज की बात करें।